हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 8 ऑफ द नोवेल कांतापुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनी पीपल नाउ सपोर्ट मूर्ति एंड हिज मूवमेंट। ही विंस द सपोर्ट ऑफ टू लोकल इन्फ्लुएंशियल मैन, दे आर रंगेगौड़ा एंड पटेल। तो इनिशियली मूर्ति के सपोर्टर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे, या फिर आप कह सकते हैं, मूर्ति और उसके आंदोलन को बहुत लोगों का पक्ष मिल रहा है। तो गांव के दो मुख्य या फिर महत्वपूर्ण लोग जो मूर्ति को सपोर्ट करते हैं वो है रंगेगौड़ा और पटेल। मैनी अदर पीपल ज्वाइन हिम। रमैया द एल्डर ऑफ द वीवर्स कम्युनिटी एंड सिद्ध्या लीडर ऑफ द पोर्टर्स कम्युनिटी ज्वाइंड हिम। देन मूर्ति गोज टू द परिहास क्वार्टर। तो जो जुलाई होते हैं उनकी समुदाय के जो हेड होते हैं वो है रमैया, और जो कुमार समुदाय है उसके मुखिया होते हैं सिद्ध्या, वो भी उसके साथ मिल जाते हैं। देन मूर्ति गोज टू द परिहा क्वार्टर्स। देयर लीडर रचना इज नॉट एट होम। तो उसके बाद मूर्ति परिहा के एरिया में भी जाता है, बट उनका लीडर रचना वहाँ पे नहीं होता है। हिज वाइफ वेलकम्स हिम। शी इंसिस्ट दैट मूर्ति शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। पर परिहा जो ग्रुप होता है उसका लीडर रचना वो घर पर नहीं होता है, तो उसकी वाइफ जो होती है वो मूर्ति को वेलकम करती है। वो इंसिस्ट करती है कि मूर्ति कम से कम एक ग्लास दूध का तो वहाँ पर पीकर ही जाए। Although मूर्ति follows the principle of Gandhi, yet being a Brahmin, he does not want to drink anything in the house of Pariha. तो वैसे तो मूर्ति जो है गांधी जी के principles, उनके ideals को follow करता है कि सबको एक समान मानना चाहिए, but फिर भी वो एक ब्राह्मण community को belong करता है, इसलिए वो परिहा के घर कुछ नहीं खा पी सकता था। But he starts to sip the milk with trembling hands. लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ही कांपते हुए हाथों से एक सिप ले लेता है दूध की। दिस शोज दैट द कास्ट सिस्टम इज डीपली रूटेड इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। व्हेन मूर्ति कम्स बैक होम ही टेक्स अ बाथ विद अ होली गंगा वाटर एंड ड्रिंक्स द सेम वाटर एंड आफ्टर दैट ही फील्स रिलैक्स्ड एंड फ्रेश। तो मूर्ति के शेक करते हुए, ट्रेबल करते हुए हाथ ये दर्शाते हैं कि कास्ट सिस्टम कितने ज़्यादा अपनी सोसाइटी के अंदर घुला हुआ है। कास्ट सिस्टम ने लोगों के दिमाग में एक बहुत ही गहरी जगह बनाई हुई है। तो जब मूर्ति घर वापस आता है तो वो गंगा जल से नहाता है और उसी को पीता है। उसके बाद ही उसको अच्छा महसूस होता है, उसके दिमाग में शांति आती है। इन द इवनिंग मूर्ति टेक्स अ राउंड ऑफ द विलेज। तो शाम को मूर्ति क्या करता है, गांव के चक्कर लगाता है। ही परसुएड्स पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज टू ज्वाइन द कांग्रेस। रचना, मदन्ना एंड लिंग्या एंड अदर्स एग्री टू फॉलो हिम। द नेक्स्ट डे अ मीटिंग इज हेल्ड इन द विलेज टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द कांतापुरा कांग्रेस कमेटी। सो रचना, मदन्ना, लिंग्या और अन्य कुछ लोग उसके साथ मिल जाते हैं और वो कांग्रेस कमेटी को बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन कांतापुरा कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने जाने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाता है। मूर्ति इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। रंगेगौड़ा इज इलेक्टेड एज ए प्रोटेक्टर। 23 मेंबर्स आर ऑल्सो इलेक्टेड। इन दिस वे कांतापुरा कांग्रेस कमेटी इज फॉर्म्ड। नाउ दे ऑल बिगिन टू स्पिन मोर एंड मोर एंड बोथ मैन एंड वुमेन स्टार्ट वीविंग खादी क्लोथ्स। तो मूर्ति को कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट चुना जाता है, रंगेगौड़ा को इसका संरक्षक चुना जाता है। इस प्रकार 23 अन्य सदस्य भी चुने जाते हैं और कांतापुरा कांग्रेस कमेटी का गठन हो जाता है। अब वे सभी सदस्य अधिक से अधिक सूत काते हैं और दोनों पुरुष और महिलाएं खादी के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 8 ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।